Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10.1, question number 3 for class 8. यह solid visual मतलब कि visualizing solid shapes chapter का नाम है. इसमें solid figures से related आपको बताया गया solution दी गई है. और introduction class में इनके बारे में plane और solid के बीच का क्या differences है, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एक बार आप अगर नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जरूर देखें. क्वेश्चन विच इज गिवन फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिटी द टॉप व्यू फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू. हमें यहाँ पहचानना है कि ये हमें सॉलिड शेप दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारा ये फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ का दिया गया है. और इसमें से कौन सा टॉप का व्यू है, कौन सा फ्रंट का व्यू है और कौन सा साइड का व्यू है, ये हमें पहचानना है. दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर सी एंड दिस इज फॉर डी एंड दिस इज फॉर ई. ये आपका है फर्स्ट वे. देखते हैं कि ये टॉप पार्ट है. तो टॉप पार्ट में क्या क्या है, एक ये, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है और ये क्यूब ये है. ये वाला देखो, यहाँ पे भी इसी तरीका से दो क्यूब और एक आ रहे हैं. ये हो गया टॉप पार्ट. टॉप को टी से इंडिकेट कर रही हूँ. साइड में आप देख लो क्या है कि इस तरीका से है, एक वन एंड टू इन दोनों में से. और फ्रंट में भी इसका वन एंड टू है. दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम, या तो फिर इस फिगर को थोड़ा सा इस तरीका से टिल्टेड टाइप के बनाई जानी चाहिए थी. ओके, ये रहा. ओके, ये हो गया हमारा ये फ्रंट का और ये का, ये हो गया साइड का. सेकंड पार्ट में चलते हैं. ये वाली फिगर है, यहाँ पे टॉप में 1, 2, 3, 4 पार्ट, यानी कि टॉप पार्ट से देखूं मैं तो एक ये आएगा, तीन लगातार और एक ये आ रहा है. ये आपका सेप ले रहा है. ओके, इधर से देखें तो अगर साइड से देखेंगे तो एक ये पार्ट दिखेगा और एक ये पार्ट दिखेगा. ये दोनों नहीं विजुअल होंगे. दैट्स ये वाले हुए साइड वाले. और फ्रंट से अगर आप देखते हो तो फ्रंट से ये तीन दिखेंगे. ये हो गया आपका फ्रंट पार्ट. नाउ फॉर सी, टॉप से अगर देखते हैं तो टॉप से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिखेगा, ये और ये, यानी कि दो पार्ट दिखेंगे. तो वी कैन से दैट दिस इज टॉप. अगर ये फ्रंट से देखते हो तो ये पूरा पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट और ये, है ना, ये तीन पार्ट दिखेंगे और ये दिखेंगे. और अगर साइड से देखते हो तो 1, 2, 3 ये दिखेगा. ये हो गया साइड और ये हो गया फ्रंट. अब डी पार्ट में देखते हैं तो डी पार्ट में आपको बताया गया है, यह है टॉप और ये हो गया आपका साइड और ये हो गया फ्रंट. ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे भी देखते हैं तो टॉप से जब देखेंगे तो 1, 2, 3 ये तीन पार्ट दिखेगा, यानी कि ये हो गया आपका टॉप पार्ट. साइड से व्यू से देखोगे तो ये और ये दिखेगा, ये, यानी कि ये हो गए साइड व्यू एंड सॉरी ये साइड फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू एंड साइड से देखोगे तो 1, 2 क्यूब स्क्वायर दिखेंगे. ये हो गया. अब चलते हैं ई पार्ट में. ई पार्ट में ये टॉप पार्ट है ना. टॉप ऊपर से देखेंगे तो एक ये दिखेगा, ये और ये, है ना, इस तरीका से दिखेगा. और फ्रंट से हमारा ये दो और ये तो फ्रंट हो गया. ओके, साइड से देखेंगे तो ये दो दिखेगा और एक ये दिखेगा, यानी दो एक और एक ये दिखेगा. ये हो गया हमारा साइड व्यू और ये हो गया हमारा टॉप. तो इस तरीका से हमें इसमें हम देखते हैं कि हम साइड से जब हम किसी फिगर को देखेंगे तो कौन कौन से पार्ट वो दिखेगा और वो इस तरीका से हमें ड्रॉ किया हुआ है उसे हम मैच कर देते हैं. आई होप सोल्यूशन समझ में आ गया होगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें.